दोस्तों आज के इस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर को हैंड मूवमेंट हैंड पोज कैसे किए जाते हैं वो सिखाने वाले हैं। आप जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि कार्टून कैरेक्टर अपने हैंड को कितने अच्छे तरह से मूव कर पा रहा है, तो आप भी इसी तरह अपने कैरेक्टर को हैंड मूवमेंट करवा सकते हैं। तो कैरेक्टर को हैंड मूवमेंट करने के लिए IBS पेंट में आपको हैंड बनाने का जरूरत नहीं है, आपको ये जो स्क्रीन पे हैंड चार्ट दिख रहा है उसको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाके डाउनलोड कर ले। तो डाउनलोड करने के बाद ड्राइंग कार्टून 2 ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आइटम कंस्ट्रक्टर के ऑप्शन पे जाना है, फिर यहाँ राइट साइड में न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो अब हमें न्यू बोन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे हैंड को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे जो बकेट वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर फोटोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो हैंड चार्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस हैंड चार्ट में से फर्स्ट वाला हैंड को क्रॉप करेंगे और सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपने फिंगर के हाथ से इस हैंड को छोटा कर लेना है। कुछ इस तरह से छोटा करने के बाद लाइन के बीचों बीच रख लेना है। फिर सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि अपने हैंड को थोड़ा छोटा या फिर बड़ा करना है तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने हैंड को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो हैंड को कुछ इस तरह से आपको लाइन के बीच में रख लेना है और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हल्का सा स्पेस दे देना है। तो हैंड को अच्छे से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ये ग्रीन बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। तो ये स्टेटस लेयर का ऑप्शन होता है, तो इसमें हमारे पास जितने भी हैंड चार्ट में हैंड है इन सभी को हम लोग एक न्यू लेयर में ऐड करते जाना है। तो न्यू लेयर बनाने के लिए यहाँ पे जो ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो नीचे साइड में एक न्यू लेयर बन जाएगा। तो ऊपर वाले लेयर में हमारा फर्स्ट हैंड है और सेकंड वाले लेयर में हम लोग को सेकंड हैंड को ऐड करना है। तो सेकंड हैंड को ऐड करने के लिए फिर से इस बकेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सीजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फोटोज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हैंड चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेकेंड वाले हैंड को क्रॉप कर लेंगे, फिर सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस हैंड को भी उस हैंड की तरह लाइन के बीचों बीच रख लेंगे और सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो उसी तरह से फिर से एक न्यू लेयर बना लेंगे और इसमें थर्ड वाले हैंड को ऐड करेंगे। तो इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ वाले हैंड को भी ऐड कर लेंगे। तो सभी हैंड ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग सभी हैंड को इक्वल साइज में कर देंगे, कोई छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो सभी को हैंड को एडजस्ट कर लेंगे। तो सभी हैंड एडजस्ट हो चुके हैं, अब हम लोग सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो बीच में ब्लू पॉइंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो हैंड वाले लेयर है जहाँ पे 3 पॉइंट है उस 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हैंड अटैच हो जाएगा।
तो ये जो येलो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, उस पर क्लिक करेंगे। यह जो यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और स्लैब पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो अब राइट साइड में जो स्मॉल वाला पॉइंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और हैंड के बीच में इस तरह से रख लेंगे। फिर सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको मास्टर पॉइंट बनाकर अप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग हैंड को सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए ये जो लेफ्ट साइड में तीन लेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये हैंड सेव हो जाएगा। तो अभी हमने जो हैंड को ऐड किया है तो उस हैंड को हम लोग कैरेक्टर में अटैच करके एनिमेट करके दिखाएंगे। तो न्यू कार्टून पे जाएंगे और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जंगल वाले ऑप्शन पे, फिर कस्टम आइटम के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं यहाँ पे, तो ये वाला कैरेक्टर को ले लेते हैं। तो अब कैरेक्टर के बॉडी पे टैप करेंगे और ये जो ब्लू वाला ऑप्शन है इसकी मदद से आप कैरेक्टर को इधर उधर कर सकते हैं ड्रैग करके। तो स्लैब को मास्टर पॉइंट में ज्वाइंट कर लेंगे, धर में ऐड कर लेंगे सर को और बड़ा कर लेंगे बॉडी को। तो अब हैंड को अटैच करेंगे। तो नीचे साइड में हैंड दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो हैंड आ जाएगा प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हैंड पे क्लिक करेंगे और ग्रीन वाले ऑप्शन की मदद से रोटेट करेंगे और येलो वाले ऑप्शन की मदद से छोटा कर लेंगे हैंड को। तो हैंड को अब ड्रैग करके बाजू में लगाएंगे, तो ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हैंड को अटैच कर देंगे। तो एक और हैंड लेंगे लेफ्ट साइड के लिए, तो हैंड पे क्लिक करेंगे और इसी तरह से इसको भी हम लोग रोटेट कर लेंगे ग्रीन वाले ऑप्शन की हेल्प से और येलो वाले आइकन के हाथ से इसको छोटा कर लेंगे। और एडिट यूनिट पे जाएंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद लेफ्ट वाले हैंड में अटैच कर देंगे। तो हैंड को एनिमेट करने से पहले इसमें हम लोग बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं ताकि हैंड मूवमेंट आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो कोई भी एक बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। अब हम लोग कैरेक्टर को फ्लिप करके राइट साइड में कर देंगे। तो कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे और फिर फ्लिप पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से वीडियो फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर अपने हैंड को कितने अच्छे तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि कैरेक्टर का हैंड कैरेक्टर के बॉडी और उसके फेस के कलर से मैच नहीं कर रहा है, तो कैरेक्टर के हिसाब से हैंड को भी उसी कलर का करने के लिए आपको IBS पेंट में जाना होगा। तो IBS पेंट में चलते हैं और क्या करना है वो भी बताते हैं। तो IBS पेंट ऐप को ओपन कर लेना है और लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इनपुट व पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हम लोग हैंड चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ लास्ट में सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है उसमें हम कैरेक्टर का कोई भी बॉडी पार्ट को ऐड करेंगे, फिर कुछ इस तरह से कैरेक्टर को रख लेना है, सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, ब्रश वाले ऑप्शन पे जाना है, आई ड्रॉपर को लेना है और कैरेक्टर के कलर को पिक करना है और लेयर के ऑप्शन में जाना है और इस लेयर को डिलीट कर देंगे और 2 नंबर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे जाएंगे और बकेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सभी हैंड पे इस कलर को डाल देंगे। तो इससे जिस कलर का कैरेक्टर का बॉडी का कलर है या फिर फेस का कलर है वही सेम टू सेम मैच कर जाएगा। तो आप भी इसी तरह से अपने कैरेक्टर के हिसाब से इस हैंड में कलर डालकर और ड्राइंग कार्टून 2 में अटैच कर कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख ले, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरह के अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।